तो भाई ये प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, आज जो है इसके पहले हमने जो है 5C कंप्लीट किया था, आपको अच्छी तरीके से बताया था। आज हमारा जो जो है आज जो हमारा अभ्यास होगा वो होगा 5D। आज इसको भी आसान भाषा में बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है आगे वो हम बताएंगे कि क्या उसमें जो है बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, और इसके वजह से आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, 5D के। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया। ठीक है, आज जो हमने बोला था कि इम्पोर्टेंट क्या है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि सर चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। ठीक है, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो पहले हम इसको जानेंगे कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। तो चलिए हम पहले इसको जान लेते हैं कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। तो देखिए, चर राशि, ठीक, क्या है, चर राशि। चर राशि में हमारे क्या आते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक है, और ए बी सी से जेड तक। ठीक है, जेड तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अचर राशि जो हमारा है, ठीक है, अचर राशि, तो अचर में हमारा क्या आता है, एक दो, ठीक है, तीन, और फिर आगे जहां तक आप गिनती तक जानते हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, अचर राशि हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब यह है कि ए बी सी डी के जितने भी अक्षर ए से लेकर जेड तक आते हैं वो हमारे चर होंगे, और जो एक दो तीन जो गणितीय में आते हैं, अंकों में आते हैं, वो हमारा क्या होगा, जो है अचर राशि होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा समझ गए प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, चलिए अब इसी प्रकार से अब जो है चर और अचर इसमें हम छांटेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। तो यहां पर अब आप आसानी से प्यारे बच्चों, जब आप चर और अचर अगर समझ गए होंगे तो आप यहां आसानी से इसको सत्य असत्य कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे प्यारे बच्चों, आइए हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए पहला क्या कह रहे हैं, यक्ष हमारा अचर राशि है। तो प्यारे बच्चों ये यक्ष तुम्हारा क्या अचर राशि है, नहीं, अचर राशि में जो है अंक जो है गणित के आते हैं, ठीक है, एक दो तीन आते हैं। ठीक है, और चर राशि में हमारा ए बी सी डी के जो है अक्षर आते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए यक्ष अचर राशि है, तो ये हमारा क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये हमारा यक्ष चर राशि है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5-1 अचर राशि है। अब देखो हमने क्या कहा था कि अचर राशि में जो गणित के जितने भी अंक है वो अचर राशि में आएंगे, तो 5-1 अचर राशि है, तो इसका मतलब ये सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सत्य कह रहा है। ठीक है, ध्यान समझना। फिर देखिए अब यहां पर दोनों चीजें देख रखा है, एक्स प्लस 5, ठीक है, एक्स प्लस ब्रेकर में एक्स प्लस 5 एक अचर राशि है। तो प्यारे बच्चों यहां पर संख्या को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये बी सी डी वाला, ठीक है, चर राशि, तो ये हमारा क्या है, तो x प्लस 5 एक अचर राशि नहीं, पहले सबसे हमारा x है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, सबसे पहले चर राशि होता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। क्या कह रहा है, ये असत्य कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना इसको। फिर उसके बाद में देखिए x और के घात 5 है, ठीक है, x के घात 5 अचर राशि है, तो x के घात हमारा जब गुणे में लिखेंगे तो x हमारा 5 चक्कर लिखा जाएगा, तो x हमारा किसमें आता है, चर राशि में, इसलिए अचर कह रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर लिख गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, अचर। तो हमने बताया था कि चर राशि में जो चर है उसमें हमारे ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर आते वो होंगे, और अचर में वो होंगे जैसे गणित के 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितनी भी संख्या है वो हमारी क्या होगी, जो है अचर होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित कथनों में से अचर लिखिए। ठीक है, तो इसमें से हमें अचर लिखना केवल, तो देखिए इसमें हमारा जो है एबीसीडी का अचर हमें कोई नहीं लिखना है, हमें केवल यहां पर चार लिख देना है, क्योंकि ये केवल हमारा क्या पूछ रहा है, अचर राशि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अचर राशि। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें भी हमारा जो है अचर राशि कौन है, 7 है। ठीक है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा।
अब यहाँ पर भी अचर राशि हमारा कौन है, तीन है, तो ये हमारा तीन हो जाएगा। और ये अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि एक्स बटे तीन है और प्लस वाई बटे चार है बराबर एक है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर अगर यहाँ पर अगर हम एक्स हटा देते हैं डायरेक्ट तीन लिखेंगे तो हमारे बटे में नहीं हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो इसलिए हम एक्स के जगह पर यहाँ पर एक बटे तीन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हट जाएगा क्योंकि हमें केवल वाई लिखना, तो कामा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए वाई है, तो वाई है तो यहाँ पर भी वाई की जगह पे एक लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बटे में आएगी नहीं। फिर देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पर एक हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गई जो है अचर की जितने भी संख्या है वो हमारी जो है लिख गई है, ठीक है। तो अब ये हमारे हमने जो है आज जो है अभ्यास 5D के ये क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन थे, इनको हमने हल किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देखिए 5D के कितने क्वेश्चन हैं, पहला और फिर दूसरा, हमने दोनों को जो है अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।